कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल्पल परत निशान। अब मसला ये है कि जो प्रिपरेशन हमारा होता है, जैसे कि वनडे एग्जामिनेशन में हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है टाइम का। तो टाइम फैक्टर है वो सबसे बड़ा खेल वही करता है हमारे प्रिपरेशन में, हमारे एग्जामिनेशन में। सो आज के सेशन में आपने जो थंबनेल हमारा है वो देख ही रखा होगा, आपने पढ़ा होगा उस पे कि हम यहाँ पर जेन्युइन रिव्यू को लेके आए हैं मॉक टेस्ट पेपर में। कैसे क्या कैसे हमारे जो हम कुछ स्टूडेंट से मिलवाएंगे आपको, जो लोग हमारे अभी अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन हैं या फिर पीछे के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें कुछ सिलेक्शन भी पाए हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में, उन्होंने टारगेट बना रखा है कि बस सिलेक्शन लेना ही लेना है। और इस चीज को हमने फिल्टर कैसे किया है, हमारे एप्लीकेशन में इन लोगों के स्कोर जो है लगातार अच्छे अच्छे एवरेज देखा जाए इनका निकाला गया, तो इन्होंने काफी अच्छे अच्छे स्कोर कर रखे हैं। तो ऐसे बहुत बड़े लिस्ट थी इन लोगों की ऐसे स्टूडेंट्स की, लेकिन आज हमने कुछ तीन चार स्टूडेंट को इकट्ठा किया है, उनसे बातें करें कि आखिर ये जो आपके स्कोर यहाँ तक पहुंच रहे हैं, बार बार आप अच्छे स्कोर लेके आ रहे हो, शुरुआत में स्कोर जो थे काफी डाउन दिख रहे थे, लेकिन अब आपका एक एवरेज स्कोर निकाला जाए तो काफी बेहतर है, तो इसके पीछे का क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज किया, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे। सो हम हमेशा इस बारे में तो बात कर ही रहे होते हैं कि यार ये टॉपिक पढ़ना है, ये सिलेबस हमारा है, प्रीलिम्स के लिए करो, मेंस के लिए करो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जब हम बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के एक्सक्यूशन की, तो कहीं ना कहीं थोड़े से हम लोग पीछे रहते हैं, और बड़ी मतलब बहुत बड़ी संख्या है क्राउड की, हमारे एस्पिरेंट्स की, जो इस चीज में पीछे रह जाते हैं। आज के सेशन से हम कोशिश करेंगे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, हम कहेंगे कि हमारे अड्डा 247 पे आने वाले तमाम स्टूडेंट्स इस चीज से लाभान्वित हों, मतलब उनको पता चले कि हाँ यार जिस चीज से हम कतराते हैं उसका इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है। तो शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करता हूं आपको, फिर हम एक एक करके स्टूडेंट से बात करेंगे। जैसा कि आपको ना ऐसे बहुत सारे सेशंस में हमने डिस्कस किया है आपके साथ कि ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक है ये बहुत ज्यादा इसका है, मतलब आपके अगर पूरे प्रिपरेशन जर्नी की अगर बात करें तो ये दो फेज में बटा हुआ है। इनिशियली हम कॉन्सेप्ट्स को, सिलेबस को ग्रैब करने में वक्त बिताते हैं, और उसके बाद हमारा उसको एग्जीक्यूट करने में जो समय लगता है वो होता है। तो अमूमन ने देखा है अपने पूरे जर्नी में, अपने करियर में, इस टीचिंग करियर में, कि स्टूडेंट्स नॉर्मली एग्जामिनेशन डे तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं, और इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन में। तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंस तक, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। तो हम बातें करते हैं, शुरुआत करते हैं राहुल से, क्योंकि कहते हैं ना कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज इनिशिएशन ऑफ प्रिपरेशन। सही मायने में देखा जाए तो सिलेबस का जो कंप्लीशन है ना, उसके बाद ही आपका असल प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। उनको लगता है कंप्लीशन हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रिपरेशन हमारा हो चुका है। सो आज जानते हैं कि मॉक में कितनी ताकत होती है। बात करते हैं सबसे पहले राहुल से। राहुल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल, कहां से हैं आप राहुल? सर दिल्ली। दिल्ली से हैं, बहुत बढ़िया। सो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सबसे पहला सवाल आपके लिए? सर लास्ट ईयर से कर रहा था मैं, 2021 से। 2021 से, मतलब 2021 में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। सो कैसा रहा आपका, मतलब अभी से आपने अभी तक कोई ऐसी कोई सफलता जो मतलब इसको हम पॉइंट आउट कर सके? हाँ यार सर, 2022 लास्ट ईयर ही मेरे काफी एग्जाम नहीं निकले थे, पर IBPS PO के मेंस तक मैं गया था। अच्छा, इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, SBI का नहीं हुआ था, पर IBPS PO मेंस क्लियर हो गया था और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था। Very फिर वहां पर कुछ मार्क्स से मैं रह गया, कुछ पॉइंट्स से, तो अब इस साल जो एग्जाम आ गया उनको टारगेट कर रखा है। ओके ग्रेट, तो मतलब इस साल है कि भाई फोड़ ही देना है, SBI क्लब आने वाला है आराम से। इसमें इंटरव्यू होता भी नहीं है। काफी अच्छा है, मतलब तो ये बताएं कि जैसे कि मैंने आपका रिव्यू कर रहा था, मैं कुछ रैंडम स्टूडेंट्स का डेटा फेच किया और उससे मालूम करने की कोशिश करी कि चलता क्या है स्टूडेंट्स की तरफ। तो आपका इनिशियली आपके मॉक में स्कोर अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर आपका जब एवरेज स्कोर निकाला गया, कुल मिला के देखा गया, तो आप बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज किया और फिर आपका एक अच्छा खासा स्कोर आना शुरू हुआ। तो ये जो कंसिस्टेंसी मॉक में दिखाई, ये किस झटके के बाद, या फिर कैसा क्या हुआ कि आप इनिशियली तो बहुत मॉक नहीं लगा रहे थे आप, तो फिर हुआ कि हाँ चलो भाई मॉक लगाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ, कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को प्लीज। सर पहले तो मैं काफी वेबसाइट्स के मॉक्स लगाता था, ठीक है, पर वहाँ कुछ डिटेल सॉल्यूशंस नहीं होते थे, पर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि एक अड्डा का लगाकर देखो, तो मैंने SBI क्लर्क का लगाया था। मैंने दो मॉक लगाए और काफी अच्छे डिटेल सॉल्यूशन दिए थे। फिर जब मेरा IBPS PO का प्री क्लियर हुआ था, तो मैंने मेंस के इसके मॉक्स लगाए, तो कई बार जो पजल होती है वो मेंस की समझ में नहीं आती है, पर वहां पर हमारे पास एक वीडियो सॉल्यूशन का फीचर होता है, तो जब मैं वीडियो सॉल्यूशंस देखता था तो मुझे अगर DI में भी दिक्कत होती थी तो वहां पर फैकल्टी इतनी अच्छी थी, वो पूरे अच्छे कंसेप्ट से बताती थी, तो वहां से ही एक बूस्टअप हो गया, ठीक है, मॉक टेस्ट भी मिलता है साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है।
तो एक डबल फीचर हो जाता है अड्डा के मॉक टेस्ट में। ग्रेट ग्रेट, मतलब यहाँ से आपको चीजें जो हिट करी हैं वो वीडियो सॉल्यूशन वाला पार्ट आपने जो पॉइंट आउट किया बहुत अच्छा लगा मुझे। लिटरली मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को ये शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे एप्लीकेशन से, हमारे महापैक से, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए तो होंगे, लेकिन शायद उतना टेस्ट सीरीज में इतने इन्वॉल्व ही नहीं हुए हैं कि इतनी अच्छी फीचर के बारे में अंदाजा भी होगा। हमारे टेस्ट पैक्स हैं, जितने भी टेस्ट पैक है हमारे पास, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, उनमें सुविधाएं ये है कि आप अगर मॉक लगाते हो उसके बाद सॉल्यूशन में जाओगे तो आपके पास सॉल्यूशन के तौर पर वीडियो सॉल्यूशन भी available है, that means कि how to solve the question। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, I think राहुल को ये चीज़ मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा help करेगी। हाँ, तो ये मतलब वो खुद ही बता रहे हैं यार मुझे बहुत मजा आया इस चीज़ से, और उनको जो बूस्ट मिली है उनके मेंस परीक्षाओं में, जैसे IPS PU मेंस उन्होंने क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू तक गए, नो डाउट कि असफलताएं वहां हाथ लगी, लेकिन कोई बात नहीं है, इस बार मुझे लगता है SBI क्लर्क में ऐसे उड़ा देंगे इसको। एनीवेज, अगर यही कंसिस्टेंसी आपका मॉक में रहा तो ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। सो और कुछ भी आप बताना चाहेंगे जो मॉक में आपको अच्छा लगता है, जैसे कि जैसे हमारे पास फुल लेंथ मॉक तो है, कभी आपने सेक्शनल मॉक की तरफ कभी गए हुआ? सेक्शनल भी देता हूँ, जैसे एक दिन मैं फुल मॉक देता हूँ प्रीलिम्स का, एक दिन में हो जाता है, उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है, फिर मैं तीनों सेक्शन के सेक्शन वाइज टेस्ट देता हूँ, जैसे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, तो वो फीचर अच्छा लगता है। और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में भी ये तीनों फीचर रहते ही रहते हैं, तो कई बार अगर मैं फुल मॉक देने का मन नहीं होता मैं सेक्शनल दे देता हूँ, पर मेरी कंसिस्टेंसी लगी रहती है, मतलब बनी रहती है। ये बढ़िया बोला आपने, क्योंकि होता क्या है, क्यों मॉक से बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि ना पढ़ना इज ओके यार, पढ़ने भी आजकल क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस है, टीचर अपना देख रहे, अब एक कमरे में पढ़ा रहा है स्टूडियो के अंदर, भाई कहाँ कौन बैठ के पढ़ रहा हो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद जब खुद से ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका मिलता है तो बहुत सारे बच्चे कतराते हैं। लेकिन ये जो फीचर ना कि फुल लेंथ मॉक देख लेके बैठना, कि एक घंटा पूरा या फिर 3 घंटा पूरा, 2.5 घंटा पूरा लेके बैठना, कई बार टफ हो जाता है, इसमें बच्चे कई बार कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, और इसमें इसमें ये चीज जो है ना सेक्शनल मॉक वाला पार्ट ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, अल्टरनेट अगर फुल लेंथ लगा रहे हैं आप, तो बीच बीच में जो गैप आपके पास है उसमें आप सेक्शन लगा लीजिए, ताकि कंसिस्टेंटली आप मॉक से कनेक्टेड भी रहें, रफ्तार टाइमर के साथ खेलने का आपके पास मौका भी रहे। सो थैंक यू सो मच राहुल आपके इस बेहतरीन फीडबैक के लिए और रिव्यू के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स निधि तोमर, एक बार निधि से बात करते हैं। निधि का क्या चल रहा है प्रिपरेशन, और कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, पहले निधि आप इस बारे में बताएं, और कब से प्रिपरेशन कर रही हैं आप? हेलो सर। हेलो हेलो, क्या सर? मैं 2020 से शुरुआत की थी प्रिपरेशन की, एंड इनिशियली जैसे कि आपने बोला सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं बच्चे, तो मैं वही कर रही थी, और आई वाज नॉट रेडी टू गिव मॉक्स, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार शायद अभी 100% प्रिपरेशन नहीं हुआ है मेरा, तो मैं उस चीज का वेट कर रही थी कि 100% प्रिपरेशन हो जाएगा, देन आई विल गिव द मॉक्स। तो मैं सिर्फ बुक्स से ही पढ़ाई कर रही थी, पर उससे स्पीड नहीं आ रही थी मेरी, और बैंक एग्जाम्स में स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो देन फिर आई डिसाइडेड कि मुझे मॉक्स देना चाहिए, और फिर मैंने मॉक्स देना शुरू किया। मैंने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से भी मॉक्स खरीदे, पर मुझे, मैं क्योंकि एग्जाम पर्सनली भी दिया हुआ था, तो एक बात बोलूंगा मैं, प्रॉम्प्ट करूंगा, प्लीज कहीं किसी भी का नाम मत लीजिएगा, बिकॉज वो हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने कई सारे मॉक्स दिए हुए थे, तो मैंने जब एग्जाम दिया हुआ और जब मैंने मॉक्स भी लगाए, तो मुझे मतलब एग्जाम लेवल से कुछ प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ब्लो है, बहुत इजी हो रहे हैं एग्जाम लेवल के कंपैरिजन में, एंड कुछ मुझे ऐसे भी दिखे जो बहुत ही ज्यादा हाई हो रहे हैं, जो कि एग्जाम में एक्चुअली आता भी नहीं है वो लेवल, प्रीलिम्स की बात करें स्पेशली, तो उसमें क्या होता है कि मोरिंग डाउन हो जाता था जब हम हाई लेवल का मॉक लगा रहे हैं और एग्जाम मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता था शायद मेरे एग्जाम में भी अच्छे नहीं आएंगे, डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है सर। हाँ, और फिर जब मैंने अड्डा का मॉक लगाया तो मुझे वो एग्जाम बेस्ड लगा, जो एग्जाम का पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, मुझे लगा वही लेवल था अड्डा के मॉक का, तो मुझे अड्डा का पर्सनली पसंद आया, और जब मैंने अड्डा का मॉक लगाना शुरू किया और मेरे जो अड्डा के मॉक में मार्क्स आते थे उसे कॉन्फिडेंस भी आता था, और कहीं ना कहीं जो मेरे रियल एग्जाम में मार्क्स आए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ करते थे। अच्छा, आपके रियल जो मार्क्स आए एग्जामिनेशन में वो और आपका यहाँ अड्डा के मॉक का मार्क्स लगभग मैच करता है? यस सर। ग्रेट ग्रेट, ये बड़ा अच्छा फीडबैक दिया आपने, इससे बहुत सारे व्यूअर्स को ना समझ में आएगा कि हाँ यार मॉक कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपके किसी उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि अभी तक आपकी अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, बिकॉज अब 2020 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2020 से लेके अब तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हाथ लगा होगा अगर मॉक से आप इतने फ्रेंडली हो तो। डेफिनेटली सर, 2020 में तो मैं स्पीड मेरा उतना अच्छा नहीं था, फिर मैंने जब मॉक लगाना शुरू किया, पर डे का मॉक लगाया मैंने, मैंने प्राइम खरीदा था, तो मैंने
डेली जब मॉक लगाने शुरू किए तो डेफिनेटली मैंने फिर एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सभी के मैं मेंस दे चुकी हूँ. और आरआरबी पीओ का मैंने मेंस क्लियर करके फिर मैंने इंटरव्यू में भी मैं आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू एज वेल, बट शायद लक फैक्टर या शायद मेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ आरआरबी पीओ का मेरिट में. ठीक है आरबी पीओ का मतलब कि आपका फाइनली मेरिट में नहीं हो पाया, कोई इशू नहीं है. तो मतलब आपका क्लर्क का ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है, मतलब पीओ ही बनना है डायरेक्टली? नहीं सर, आई कुड नॉट क्लियर द मेंस ऑफ द क्लर्क. क्लर्क का मेंस क्लियर नहीं हुआ, जिसका मेंस क्लियर हुआ उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ. एज पे आपको मतलब मेरी तरफ से मैं ये जरूर बोलूंगा कि देखिए जैसे ऐसे मैं हमेशा क्लास में बोलते रहते भी आपसे कि जैसे अभी निधि से मिली आप, तो निधि लगातार बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रही हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली वहां पहुंची भी हैं. और अभी जो हमारा जो सिलेक्शन पार्टी था उसमें भी आप एक स्टूडेंट से मिले होंगे और अब वीडियो भी जल्दी आपके पास आएगा. उन्होंने 13 मेंस दिए थे, 14th मेंस में उनका सिलेक्शन हुआ था. तो निधि के लिए भी मेरे तरफ से बेस्ट विशेस हैं, बहुत क्लोज हैं आप अपने सिलेक्शन के, बिकॉज मॉक से आप जुड़े हुए हो लगातार, अपने प्रिपरेशन का सिलेबस तो आपने कवर कर ही लिया होगा, बस नए नए कुछ क्वेश्चंस अगर कुछ अपडेशन हो रहा है उसको आप अभी कैरी कर रहे होंगे आप. और मुझे लगता है वो इतना ही करने की आवश्यकता होती है, एक दफा अगर सिलेबस प्रॉपर हो जाए उसके बाद आवश्यकता सिर्फ इसी बात की होती है कि आप कितना बेहतरीन अपडेट कर रहे हैं, कुछ नए सवाल, कुछ अगर हम पजल्स की बात करें या सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वहां पे कुछ एड ऑन, कुछ कई बार लिफ्ट वाले क्वेश्चन, कभी बार अनसर्टेन नंबर ऑफ people are sitting in a residing in a floor based building, like कुछ भी ऐसा कुछ अपडेशन होता रहेगा कई बार, तो भी अपडेशन चाहे DI में मिसिंग आ जाए या फिर कुछ और भी एड ऑन कर रहे हैं वो लोग, तो ये तमाम तरह की चीजों को बस हमें अपडेट करता रहना पड़ता है. और साथ ही साथ बस मॉक पे सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन आपको लेके रखना होता है. सो आई थिंक आप इसके तरफ से जा रहे हो अभी, राइट? यही आपका डायरेक्शन रह रहा है अभी? डेफिनेटली सर, अभी मैं डेली मॉक्स पर ही ध्यान दे रही हूँ. मॉक से मतलब कॉन्फिडेंस सबसे अधिक बूस्ट होता है? यस सर, और सबसे ज्यादा सर स्पीड आती है मॉक से, कॉन्फिडेंस भी आता है और स्पीड के ऊपर. बैंक एग्जाम मोस्टली स्पीड पर बेस्ड होते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. अच्छा, इनिशियली जैसे अगर बात करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे का कमेंट इधर मैं देख रहा हूँ, तो उनका कहना है इनिशियली क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इनका इनिशियल फेज में ना 100 में से मान लो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया, मॉक दिया किसी बच्चे ने, और शुरुआती दौर में उनके मॉक में नंबर आ रहे हैं 40 नंबर आ गए, तो बहुत सारे बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं उससे. तो मेरा ये कहना है कि क्या आपके जो इनिशियल फेज में स्कोर थे, क्या आपके स्कोर भी ऐसे ही थे, फिर आप ग्रेजुअली इंक्रीज किया आपने या क्या था? डेफिनेटली सर, पहले तो जैसा कि मैंने बताया मैं बुक्स से करती थी तो मेरे इनिशियली इतने अच्छे मार्क्स नहीं आया करते थे और ऑफ कोर्स मोरल डाउन हुआ करता था. बट वही एक स्टेज होता है जब आपको प्रैक्टिस फिर भी वही सर जब मार्क्स कम आने लगते हैं ना हम मॉक देना छोड़ देते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्या करेंगे मॉक देके, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है. पर वो नहीं करना चाहिए. मैंने मॉक देना नहीं छोड़ा, मैं डेली फिर भी रेगुलरली मॉक देती रही और उसी वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, उसी वजह से मुझे स्पीड आया. ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमन फैक्टर है. देखो यार, मतलब जैसे कि आप लोग भी मुझे बताते हैं कि सर नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं बस उस वक्त यही सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज आप इनिशियल फेज ऑफ राइटिंग मॉक्स होते हो, आप मॉक्स लगाने के फेज में इनिशियल फेज में होते हो उस वक्त, और आपके नंबर 40 आ रहे हैं क्लर्क के मॉक में या फिर 50 आ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो रहे होते हो. लेकिन उस वक्त आवश्यकता होती है बस कंसिस्टेंट रहने की, वो थोड़ा सा और आप अगर मतलब मैं कह रहा हूँ अगर 2-4 मॉक लगा के आप ये कन्फ्यूजन निकाल रहे हो 40 नंबर 45 नंबर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 2-4 मॉक लगाने से कन्फ्यूजन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप 2-4 मॉक में तो ये समझ पाते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको हमें पहले करना है या किसको छोड़ना है या फिर किसको हमें मतलब सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है, मतलब सारी चीजें आप दांव पे सीखने लगते हो शुरुआती दौर में. फिर वो जब आप कंसिस्टेंट होते हो, रेगुलर होते हो मॉक में, उसके बाद एग्जीक्यूशन असली में आपका निखर के आता है फिर. ठीक है, ग्रेट. सो थैंक यू सो मच निधि, एंड ऑल द बेस्ट आपके इस साल के परीक्षाओं के लिए. मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज हैं, आप भी जैसे कि राहुल उस तरीके से, मुझे लगता है आप भी बहुत क्लोज हो. ठीक है, सो या सो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे पास है वर्षा. हेलो वर्षा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ ठीक है. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर. क्या चल रहा है, प्रिपरेशन कब से कर रहे हो आप? सर प्रिपरेशन को तो काफी टाइम हो गया है, 2.5 ईयर हो गया है समथिंग. ओके, 2.5 ईयर हो गया. ओके, तो मतलब क्या आपने, मैं अभी मॉक में आपके स्कोर देख रहा था तो आपके स्कोर भी ठीक है, मतलब जो भी मैं कुछ मैं तो 5 लोगों को सेलेक्ट कर रखा था, लेकिन चलो 3 लोग से मिल पाया आज मैं. फिर ऐसे ही कभी और भी सेशन करेंगे आप इस तरह के स्टूडेंट से मिलेंगे जिनके मॉक में स्कोर अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हाँ इनिशियल ग्राफ लो था फिर वो इंक्रीज हुआ. वर्षा का जो स्कोर इनिशियल था वो काफी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जैसे बता रही है वो कि अब उनके स्कोर मतलब हम लोग खुद ही देख पा रहे हैं कि स्कोर काफी अच्छे हैं. तो क्या वो रणनीति है जो आपने इस्तेमाल किया वर्षा, मैं चाहूंगा कि आप जरूर शेयर करें ताकि
हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस साल अपकमिंग एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसमें वो अच्छा करें? सर मतलब सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, जो मैंने प्रीलिम्स दिया था किसी कोई क्लरिकल एग्जाम था, तो उसमें मेरा स्कोर आई थिंक बिलो 45 था। तो उसके बाद फिर उस टाइम तक मैं मॉक्स नहीं लगाती थी, फिर मुझे कहीं से अड्डा के बारे में पता चला, फिर मैंने वहाँ स्टार्टिंग में जो डेली क्विजेस होती है वो देने स्टार्ट की। फिर उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट जो एग्जाम था उसमें काफी कम स्कोर था, लेकिन अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर एसबीआई क्लरिकल हुआ था उसमें मेरा स्कोर 85 था एग्जाम में, जो कि मतलब हर एक स्टेट का जो कट ऑफ था उससे कहीं ज्यादा था, मतलब सभी जगह से क्वालिफाई था एग्जाम। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका सिलेबस चाहे कम्प्लीट हो नहीं हो, क्योंकि मॉक बहुत जरूरी है, यदि आप मॉक नहीं लगा रहे हैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि विदाउट मॉक आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब आप ये भी, मुझे लगता है अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मॉक नहीं लगा रहे हो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। कह सकते हैं ना। हाँ मतलब ये फैक्ट है यार, देखो मतलब होता यही है प्रिपरेशन के, मैंने हमेशा एक लाइन बोला करता हूँ, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज द इनिशिएशन ऑफ योर प्रिपरेशन। सिंपल फंडा है, मतलब आप क्योंकि आप प्रिपरेशन, अगर आपको चलना आ रहा है और रेस में दौड़ना है तो चलना तो सबको आ रहा है, तो आप दौड़ने के रेस में जाने वाले हो तो जाहिर सी बात है दौड़ने का प्रैक्टिस करोगे ना, चलना तो सबको आता है। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज जस्ट टू नो हाउ टू वॉक, लेकिन आपको वहां पे रेस दौड़ना है, दैट मींस कि आपको समय के उस टाइमर जो है, स्टॉपवॉच जो है, जो भी वहां पे चल रहा होता है काउंटडाउन, उसके साथ दौड़ना सीखना है, और उसके लिए बहुत सारे दांव पे सीखने पड़ेंगे आपको। सो एनी पॉइंट, एनीथिंग जो आप कहना चाहो कि हाँ यार, जैसे कि जो बच्चों को करना ही चाहिए, बिल्कुल। सेक्शनल मॉक के बारे में कुछ बताइए आप, सेक्शनल मॉक आपने दिया है? हाँ सर, सेक्शनल मॉक्स भी लगाती हूँ साथ में, जो मतलब अटैक के जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि इनका जो कंटेंट होता है वो एकदम रिलेवेंट होता है, मतलब कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी एग्जाम्स दिए हैं वो इस चीज से रिलेट करेंगे कि जो क्वेश्चन का मतलब जो लैंग्वेज होती है वो एग्जाम के जैसी ही होती है। मतलब जब यदि आप मान लो प्रीलिम्स के मॉक्स लगा रहे हो और आपको किसी एग्जाम में अपेयर हो रहा है प्रीलिम्स में, तो आपको ये फील नहीं आएगा कि आप एग्जाम में है, जैसे ये लगेगा कि आप घर पे मॉक लगा रहे हैं, क्योंकि एज अ पीस लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है, बाकी लेवल वही रहता है, लेवल भी थोड़ा सा मतलब लेवल अच्छा ही होता है। हाँ तो थोड़ा तुम लोग अब रखते हैं, देखो आप तो हमें मतलब कोशिश हमारी ये रहती है, हमारे अड्डा 2% के जो हमारे जितने मॉक हैं, कोशिश रहती है कि मतलब थोड़ा ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा हो, मतलब ऐसे ऐसे ना चल रहा हो। जो अभी निधि ने पॉइंट आउट किया, ठीक है, मतलब वो चीज हम कभी भी जिक्र नहीं करेंगे कि कहाँ क्या, लेकिन सबको पता ही है। तो बस कोशिश ये करना है कि बस चीजें आपको लगातार मिल ही रही हैं, आपको वीडियोस के जरिए क्लासेस मिल रही हैं, अड्डा 247 के एप्लीकेशन में वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन अभी हम 3 बच्चों से मिले, इस तरीके से आने वाले सेशन में आपको फिर से मिलवाएंगे कुछ और स्टूडेंट्स से। मैं बता दूं, इनके स्कोर कंसिस्टेंटली 80 प्लस में रहते हैं अब आपके क्लर्क के पेपर में, मतलब कंसिस्टेंटली 80 प्लस का मतलब होता है कि दे आर वेरी गुड स्टूडेंट, इसीलिए उनको यहाँ रहा है। कंसिस्टेंटली मतलब पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी रहा है तो 80 क्रॉस में रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये कॉमेंट बॉक्स में लगातार चला था कि इनके स्कोर कितने आ रहे हैं, तो बताइए क्लर्क के पेपर में 80 प्लस हमेशा रह रहा है, और पीओ के पेपर में इनका 65 मिनिमम 65 मतलब गया है अभी तक, तो सब मतलब इसलिए हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं कि यार इनसे बात किया जाए, क्योंकि कंसिस्टेंटली कोई स्टूडेंट अगर इतना लेके आ रहा है दैट मींस कि दे आर अमेजिंग। सो आई थिंक आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा होगा, मतलब आपको मालूम चला होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इन मॉक के, मतलब वही बात है कि आपका 50% से अधिक जो काम होता है प्रिपरेशन में वो कहीं ना कहीं इन मॉक टेस्ट का होता है, मतलब इनसे अगर आप नहीं गुजर रहे हो तो आप सही में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो सच में नहीं कर रहे हो, मतलब बस खाना पूर्ति चल रही है कि हाँ भाई घर वाले बोल रहे हैं तैयारी करनी है, सब लोग मोहल्ले में कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, बस यही वाला चीज है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाओगे तो असली में दर्द मिलेगा, और दर्द मिलेगा तो सफलता मिलेगी, सिंपल सी बात है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बट ध्यान रखिएगा कि हमारे 247 पे मॉक टेस्ट है, मतलब आपको दिखाता हूँ कि मॉक टेस्ट किस तरीके से हमारे पास होते हैं, मैं एक बार उससे भी आपको अवगत करा दूं किस तरीके से मॉक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ये 247 का एप्लीकेशन तो नहीं है, ये वेबसाइट है, लेकिन आपके पास अगर फोन है, स्मार्टफोन है, और होगा ही, तो आप उसमें 247 के एप्लीकेशन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, वन सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ा है इसमें। सो हम डायरेक्टली यहां पे आते हैं,
जैसे हमारे पास ये, जब आप कभी भी हमारे एप्लीकेशन ओपन करोगे आप, तो आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम के नाम दिख रहे होंगे, उसके नीचे आ जाओ आप तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लाइव क्लासेस, तो ये लाइव क्लासेस में हम लोग नजर आते हैं आपको, लेकिन हमारे मॉक टेस्ट पेपर से अगर मिलना है आपको, किताबें भी आपको यहाँ नजर आती है, प्रिंटेड बुक्स, ई बुक्स वगैरह, वीडियो कोर्सेस, एंड मॉक टेस्ट आपको सबसे प्रथम स्थान पर दिखाई देगा। मॉक टेस्ट को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट, जैसे कि बैंक प्राइम टेस्ट पैक, अब इसमें आप खुद सोचिए, यहाँ लिखा हुआ है 1200+ जो है टेस्ट है इसमें, 1200+। आप खुद भी इस बात को आप सोच सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने अगर 1200 मॉक लगा ली, 1200 घर बहुत बड़ी बात है यार। मैं कह रहा हूँ कि इसका 25% मैं कह रहा हूँ 25% मॉक लगाना भी बहुत है, मतलब मैं ये कहूंगा इतना भी लगा लेंगे तो बहुत मजा आएगा। आपके पास ये इस 1200 मॉक में से, मतलब कह रहा हूँ कि हर वेराइटी के मॉक से पड़े हुए हैं, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, एग्जामिनेशन वाइज, हर एग्जामिनेशन के लिए मॉक इसमें रखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को अपने पढ़ाई को, ऐसे फाउंडेशन बैचेस में आप एनरोल करते हो या किसी भी टारगेट बैच में एनरोल करते हो, पढ़ाई कर लो, सिलेबस कंप्लीट करके रख लिया, एग्जीक्यूशन के लिए आप यहाँ पहुंच जाएगी जी, सिंपली यहाँ पे जाके इसको एनरोल कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर है तो भैया, अगर आप हमने शुरू नहीं किया अभी तक तो आप गजब का, मतलब गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो कह सकते हैं, लेकिन नहीं है तो जरूर एनरोल कर लीजिएगा इसमें जाके। ये बैंक प्राइम टेस्ट पैक है और इसको एनरोल करने के लिए सिंपली आपको वही, जिस तरीके से आप बाकी बैचेस को एनरोल करते हैं उस तरीके से ही कर सकते हैं यहाँ पे अपने आप को एनरोल। सो आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह का मॉक हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे SBI PO Pre का फुल लेंथ मॉक यहाँ पर है, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मेमोरी बेस्ड पेपर 10 है इसमें, सेक्शनल टेस्ट 15 है। तो ये सुविधाएं आपके पास इस तरह से तमाम, जैसे SBI PO का मेंस फुल लेंथ मॉक ऑफ कोर्स है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, मेमोरी बेस्ड पेपर भी 5 है, मतलब प्रीवियस पेपर क्या रहा है हर परीक्षा के बारे में, कि भाई किस एग्जामिनेशन का प्रीवियस क्या रहा है। सेक्शनल मॉक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, लगातार सेक्शनल मॉक आपको नजर आ रहा है हर एग्जामिनेशन के लिए। सो आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू गो फॉर दिस थिंग, मतलब ये चीजें आप छोड़ न दें, मतलब ये चीज होना ही नहीं चाहिए कि आप मिस करते हैं। सो अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल करने के लिए इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, Y188S का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। So to get maximum discount, you can use this Y188S on your application as well as on the website. But my suggestion would be ki aap application ka istemal karein, jyada behtar hoga. So that's all from my side. Thank you so much. YTK Study Well. Blessings everyone, and we'll meet at 8 PM today to discuss some amazing questions of listening. Bye bye.